सो हाई गाइस, एक्सप्लोर राइडर हियर, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, एक्चुअली गाड़ी का ओवरहीट का रीज़न, मतलब अकॉर्डिंग टू मी, मुझको लगता है तीन रीज़न हो सकता है एक्चुअली। फर्स्ट ऑफ ऑल, गाड़ी का अगर कूलेंट लेवल जो है वो अगर मतलब जो एकदम लो लेवल होता है उससे भी अगर कम में चला जाए तो एक मतलब उसमें हो सकता है, मतलब गाड़ी का कूलेंट ख़त्म हो गया। दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है क्या, रेडिएटर से मतलब जो कूलेंट टैंक से जो रेडिएटर एंड रेडिएटर से जो कूलेंट टैंक में जो मतलब जो लाइन जाता है वो लाइन अगर चोक हो गया तो रेडिएटर में प्रॉपर कूलेंट नहीं जाएगा एंड रेडिएटर फैन में भी अगर कोई दिक्कत आएगा तो मतलब जो फ्यूज़ होता है वो फ्यूज़ अगर मतलब उड़ गया तो, या रेडिएटर फैन ठीक से चल नहीं रहा है तो, या रेडिएटर का जो सामने वाला हिस्सा है वो अगर मतलब जो हाई प्रेशर हुआ से अगर मतलब उसमें भी अगर मतलब डैमेज हो गया तो ये वजह से गाड़ी का मतलब ओवरहीट होता है। और एक चीज़ है जो है मतलब गाड़ी का अगर टाइम टू टाइम इंजन ऑयल चेंज नहीं किया है तो उसमें भी गाड़ी ओवरहीट होता है। वो एक प्रॉपरली अलग मतलब अलग रीज़न है गाड़ी का ओवरहीट होने का, जो मतलब इंजन ऑयल अगर मतलब कम हो गया तो उसमें तो मतलब बड़ा दिक्कत आ जाएगा, गाड़ी का भी मतलब भी सीज भी हो सकता है। तो यही एक बात है। तो आज मैं दिखा रहा हूँ गाड़ी का जो इंजन ऑयल होता है वो कहाँ से और कैसे चेक करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक जो है ये कपल लेना चाहिए, क्योंकि जो इंजन ऑयल का जो स्टिक है वो पहले एक बार मतलब ठीक से वॉश करके उसके बाद डाल के देखना पड़ेगा जे कितना क्या इंजन ऑयल है क्या नहीं। तो देखिए क्या करता हूँ। तो फर्स्ट बोनेट ओपन करके दिखा देता हूँ जो इंजन ऑयल का लेवल, मतलब कहाँ से चेक करना होगा और कैसे चेक करना होगा। तो एक बार मैं बोनेट ओपन कर देता हूँ। चलो एंड मैं एक बार कैमरा सेट कर देता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। ये जो येलो वाला स्टिक है टाटा पे इधर मिलेगा, मारुति साइड, मारुति का जो इंजन है उधर उसको इस साइड पे देखता है। मेरा जो वागाना था उसको इस साइड पे मिलता था इंजन का। तो इधर जो है ये एक बार लेना होगा। ये देखिए डिपस्टिक, इधर देखिए जो रेड कलर का जो है यही है इंजन ऑयल का मतलब इंजन ऑयल का लेवल। तो एक बार मैं कैमरा इधर मतलब फ़ोन रख देता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ आपको। और एक मतलब कपड़ा चाहिए, इसको पहले मोचना पड़ेगा, उसके बाद आपको देखना है मतलब कितना इंजन ऑयल का लेवल है क्या नहीं। ये डीप स्टिक को पूरा अंदर तक देना होगा, इतना तक, इसके बाद ऐसे देखोगे तो कितने तक होगा हम देख लो। मेरे जो गाड़ी का है, एक मिनट मैं और एक बार देख लेता हूँ। ये देखिए कैमरे पे आ रहा है कि नहीं, इतना तक है जो रेड रेड लेवल दिख रहा है। एक्चुअली इंजन ऑयल का लेवल यहाँ हाई है यहाँ लो है, इसके बीच में होना चाहिए। हालांकि मेरा अभी तक सेकेंड सर्विस नहीं हुआ, तो सेकेंड सर्विस होगा तो उसमें इंजन ऑयल भी चेंज होगा। तो ये जो है ये स्टॉक इंजन ऑयल, मतलब गाड़ी पर जो आता है वही इंजन ऑयल है, उसका एक्चुअली क्वालिटी भी उतना अच्छा नहीं होता है, तो वही है। और इंजन ऑयल भी आपको देखना होगा, एंड इंजन ऑयल का जो एक्चुअली वेस्कोसिटी है मतलब कितना क्या चिपचिपापन जो है वो भी आपके पास देख लेना होगा। मतलब 2-3 हज़ार के बाद अगर मतलब आप चाहो तो अगर आप देख सकते हो, तो अगर प्रॉपर मतलब ये चेकअप कर लोगे तो मतलब इंजन ऑयल अगर गाड़ी में आपका ठीक रहेगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो यही चीज़ है, अगर हो गया गाड़ी मतलब इंजन ऑयल का चेक तो उसके बाद डिपस्टिक को ऐसे लॉक कर देना होगा। देखिए लॉक कर दिया, एक लॉक टाइप का है, तो यही बात है। और इंजन ऑयल आपको डालते हैं इधर से, देखिए ऐसे इंजन ऑयल चेक कर सकते हो। और इंजन ऑयल मतलब चेंज कर मतलब इंजन ऑयल जो है, इंजन ऑयल का एक्चुअली एक बड़ा सा हाथ है जो इंजन का हीटिंग में भी। तो अगर गाड़ी अगर आप हीट हो रहा है आपका रेडिएटर में और कूलेंट भी अगर ठीक है तो आपका ये हो सकता है इंजन ऑयल में भी कोई दिक्कत आ गया और इंजन ऑयल का जो चिपचिपापन है जो वेस्कोसिटी है वो ख़त्म हो गया, इसके लिए भी हो सकता है। तो तुरंत आप ये इंजन ऑयल बदल लेना, तो यही एक बात है। तो दिस इज़ फॉर दैट इंजन ऑयल पार्ट, हाउ टू चेक योर इंजन ऑयल।
एंड चेक दैट विस्कोसिटी ऑफ योर कार इंजन ऑयल. सो दिस इज फॉर नाउ. थैंक यू एक्सप्लोरर राइडर साइनिंग ऑफ.